नमस्कार, सीजी कब्ज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप ममगाई और आज हम बनाएंगे ये पैर का मॉडल स्प्लाइन मॉडलिंग टेक्निक से। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नया सीन में शुरू करता हूं और फ्रंट व्यूपोर्ट में मैं लेके आता हूं ये जेपेक फाइल। ये आपको डाउनलोड करने को मिलेगी, इसे आप डाउनलोड करिए और फिर इस ट्यूटोरियल को फॉलो करिए, ठीक है। उसके बाद हमें आना है ऑप्शंस में और कॉन्फ़िगर में, शिफ्ट वी आप शॉर्टकट है इसको भी प्रेस कर सकते हैं। फिर यहाँ बैक टैब में हमें ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा कम करना है जिससे कि जो हम कर्व ड्रॉ करेंगे वो आसानी से दिख जाए। और फिर अब हमें इसे ओरिजिन पर ले जाना है, इसका जो सेंटर पार्ट है यहाँ पे बॉटम में, इसको हमें ओरिजिन पर ले जाना है जिससे कि हमारा जो कर्व है वो आसानी से रिवॉल्व हो सके। तो उसके लिए मुझे ऑफसेट वाई को चेंज करना होगा, इसे हम ऊपर की ओर ले जाएंगे और 435 पर ये सेंटर पे आ जाएगा। उसके बाद हम लेंगे स्प्लाइन पेन टूल और सबसे पहले इस पॉइंट पे आपको क्लिक और ड्रैग करना है, केवल क्लिक मत करना। अगर आप क्लिक करेंगे केवल तो आपको ये टेंजेंस नहीं मिलेंगे। उसके बाद ये देखिए इस कर्सर के साथ एक घोस्ट प्रीव्यू अटैच रहता है अगले सेगमेंट का। तो अब हमें इस कर्वेचर को फॉलो करते हुए कर्व को ड्रॉ करना है, तो क्लिक एंड ड्रैग करिए जब तक ये मैच ना हो जाए। इसी तरीके से यहाँ पर, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है कि थोड़ा मैच नहीं हो रहा है, इसकी कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, बाद में आके हम इसे फिक्स कर सकते हैं। फिर यहाँ पर और लास्ट में इस ग्रीन लाइन के ऊपर एस्केप प्रेस करिए तो कर्व क्रिएशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। यहाँ पे स्प्लाइन हमारे पास बन गई। अब इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला जो टेंजेंट है वो इस कर्वेचर को कंट्रोल कर रहा है और ये वाला जो टेंजेंट है इस कर्वेचर को कंट्रोल कर रहा है। अगर मैंने किसी एक को भी पकड़ा और उसको मैनिपुलेट किया उसकी पोजीशन को, तो वो दोनों तरफ के कर्व्स को इफेक्ट करता है, दोनों तरफ के सेगमेंट्स को इफेक्ट करता है। तो इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट है कि अगर हम शिफ्ट के साथ मूव करें किसी भी टेंजेंट को, तो वो उसी के साइड वाले कर्व को इफेक्ट करता है। ओके, तो शिफ्ट प्रेस करिए और इसको एडजस्ट करिए शेप को इस तरीके से। ठीक है, अब हमें इस प्रोफाइल कर्व को रिवॉल्व करना है इस वर्टिकल एक्सिस के अराउंड। तो अगर ये वाला पॉइंट जो टॉप पॉइंट है और ये बॉटम पॉइंट है, अगर ये वर्टिकली अलाइंड नहीं रहेंगे, तो जब हम इसको रिवॉल्व करेंगे तो आर्टिफैक्ट्स आपकी ज्योमेट्री में रहेंगे। ठीक है, तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बॉटम पॉइंट को लेंगे और कोऑर्डिनेट्स मैनेजर में इसकी एक्स और वाई पोजीशन जीरो कर देंगे जिससे ये ठीक ओरिजिन पे रहेगा पॉइंट। अब जो ये दूसरा पॉइंट है, हमें इसका एक्स एक्सिस को भी जीरो करना है ताकि वो इस वाई एक्सिस वाली लाइन पर रहे। तो सेलेक्ट करिए इस पॉइंट को और एक्स एक्सिस को भी यहाँ पे हमें एक्स पोजीशन को भी जीरो कर देना है। अब ये दोनों पॉइंट परफेक्टली अलाइन है वर्टिकली इस वाई एक्सिस के अलावा। ठीक है, तो अब हमें इसको रिवॉल्व करना है और रिवॉल्व करने के लिए हमारे पास जनरेटर ऑब्जेक्ट है लेथ। सेलेक्ट करिए स्प्लाइन को, ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ऑल्ट प्रेस करिए और यहाँ से ले लीजिए लेथ। ऑल्ट प्रेस करने से क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली जो स्प्लाइन ऑब्जेक्ट है उसका पैरेंट बन जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास शेप रेडी है। ओके, अब यहाँ पे जाके हम ग्राउट शेडिंग लाइंस मोड ऑन कर लेंगे, एन बी शॉर्टकट है जिससे हम अपने सेगमेंट्स को देख सकें। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे जो आपको सेगमेंट्स दिख रहे हैं वो सब डिविजन्स, ये जो पैरामीटर है सब डिविजन पैरामीटर, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, एंगल भी आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से जितना आपको रिवॉल्व करना है। हमें फुल 360 डिग्री रिवॉल्व करना है। देखिए हमारा जो प्रोफाइल कर्व था वो ऐसे था, सिंगल कर्व। फिर जो ये वर्टिकल ग्रीन लाइन आपको दिख रही है उसके चारों ओर हमने इसको रिवॉल्व किया है और जिससे हमें एक सरफेस मिली है। ठीक है, तो ये 360 रहेगा कि इसके अलोंग ये जो वर्टिकल एक्सिस है उसके अलोंग देखिए आप सब डिविजन्स हैं।
लेकिन जो ये हॉरिजेंटल सब डिविजन्स हैं या जो वी एक्सेस जिसको हम बोलते हैं उसके अलोंग जो सब डिविजन है वो यहाँ से कंट्रोल नहीं होते, वो कंट्रोल होते हैं स्प्लाइन से, और उसके लिए हमारे पास पैरामीटर है इंटरमीडिएट पॉइंट्स। तो इंटरमीडिएट पॉइंट्स क्या होता है, एक तो पॉइंट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं स्प्लाइन में, ये पॉइंट्स इंटरमीडिएट पॉइंट्स इन पॉइंट्स के बीच बनते हैं जिससे कि ये वाला जो आपका इस डायरेक्शन में एक सेकेंड सॉरी ये वाला टूल लेना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में जो आपके सब डिविजन्स हैं इनको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए आपको, ये वाला पैरामीटर चाहिए इंटरमीडिएट पॉइंट्स। जो लेथ ऑब्जेक्ट का सब डिविजन है वो ये वाले सेगमेंट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्प्लाइन को सेलेक्ट करेंगे और इंटरमीडिएट पॉइंट्स को करेंगे नेचुरल। नेचुरल करने से क्या होगा कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा पॉइंट्स का। तो देखिए काम कैसे करता है, मैं एक नई सीन में आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे हम एक क्विकली एक कर्व बना लेते हैं, ये दो पॉइंट्स में बना रहा हूँ, और इस पर हम लगाते हैं लेथ मॉडिफायर लेथ जनरेटर, ठीक है। तो अगर आप स्प्लाइन में आएंगे तो हमारे पास आप देखेंगे कि यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनके बीच अगर मैं अब स्प्लाइन में आता हूँ और इसको करता हूँ नेचुरल और इसको कर दूँ मैं वन या नन, तो देखिए ये दो पॉइंट्स हमारे पास हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं हमारी स्प्लाइन पर, लेकिन बीच में कोई इंटरमीडिएट पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट पॉइंट्स बनाने के लिए अगर मैं नंबर करता हूँ वन तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आता है, नंबर करता हूँ टू तो फिर दो पॉइंट्स आते हैं, इसी तरीके से थ्री फोर फाइव सिक्स। तो ये वाला जो आपका सब डिविजन है वो आप कंट्रोल कर सकते हो स्प्लाइन पे, स्प्लाइन की प्रॉपर्टीज से। इंटरमीडिएट पॉइंट्स जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, नेचुरल है, यूनिफॉर्म है, अडेप्टिव है और सब डिवाइडेड है। ये अलग अलग एल्गोरिदम है जो इसके लिए यूज़ होते हैं। अभी हम नेचुरल को यूज़ कर रहे हैं सिक्स पॉइंट के साथ, यहाँ पे जितना मर्जी आप बढ़ा सकते हैं इसको जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट हो सब डिविजन्स की। और इस तरह के अगर आपको सब डिविजन्स बनाने हैं तो उसके लिए आपको लेथ ऑब्जेक्ट में ही जाना पड़ेगा और यहाँ पर सब डिविजन से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। आई होप अब क्लियर हो गया होगा आपको। एक चीज़ यहाँ पर और है, आइसोबॉम सब डिविजन, आप देखेंगे ये आपकी ज्योमेट्री है, आप इसमें कितना भी चेंजेस करें ज्योमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आखिर ये आइसोबॉम सब डिविजन्स हैं क्या, ठीक है। आइसोबॉम सब डिविजन्स तभी आपको यहाँ पर दिखेंगे व्यू पोर्ट में अगर आपने डिस्प्ले मोड को आइसोपॉम किया हुआ है। आइसोपॉम्स एंड आई इसका शॉर्टकट है, ठीक है। और इधर आपको लाइंस मोड करना पड़ेगा। तो ये देखिए लेथ को सिलेक्ट करते हैं, ये दिख रहे हैं अब आपको, ये हैं आइसोपॉम सब डिविजन। तो आइसोपॉम सब डिविजन से ज्योमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे इसको इसका यूज आप तभी कर सकते हो अगर आपको सपोज रेंडरिंग करनी हो और आप इन लाइंस को रेंडर करना चाहें ज्योमेट्री के ऊपर, तब ये यूज होता है, ओके। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा अब आपको आइसोपॉम सब डिविजन्स और सब डिविजन्स। वापस आते हैं हम अपने सीन में और यहाँ पे भी हम चाहें तो आइसोपॉम्स को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब इस जो मॉडल है इसको मैं थोड़ा बेंड करना चाहूँगा। तो बेंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि लेथ ऑब्जेक्ट है उसको हमें बेंड करना है, तो उसका हमें चाइल्ड बनाना पड़ेगा, किसको, बेंड डिफॉर्मर को, ठीक है। तो बेंड डिफॉर्मर के लिए मैं स्प्लाइन सेलेक्ट करूंगा, इसके नीचे बेंड आना चाहिए। तो अगर आपने शिफ्ट प्रेस किया तो क्या होगा, स्प्लाइन के ऊपर बेंड लगेगा, लेकिन हमें कहाँ लगाना है, लेथ, और जो डिफॉर्मर होता है वो लास्ट एलिमेंट होता है किसी हायरार्की में। तो इस केस में हम क्या करेंगे, स्प्लाइन को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और बेंड पे क्लिक करेंगे, तो इसके ठीक नीचे आएगा। इनकेस अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको ऊपर चाहिए होता है तो हम कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और फिर क्लिक करते हैं ऑब्जेक्ट पे तो वो ऊपर आता है। तो याद रखिएगा कंट्रोल शिफ्ट अगर आपको ऊपर चाहिए और कंट्रोल अगर नीचे चाहिए। तो अभी हम इसको नीचे ले आते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है कंट्रोल क्लिक बेंड, इसके बाद फिट टू पैरेंट, ये फिट हो जाएगा। और इसके बाद मैं इसका साइज चेंज करना चाहता हूँ, साइज वाई टू 430। पूरे ऑब्जेक्ट को मैं बेंड नहीं करना चाहता, बीच में थोड़ा बेंड करना चाहता हूँ। और फिर इसको हम बेंड करेंगे स्ट्रेंथ पैरामीटर से,
ये देखिए इस तरह से आप बेंड कर सकते हैं, तो -16 में इसको बेंड करना चाहता हूँ। ओके, अब हम इसका स्टेम बनाएंगे पेयर का। तो इसका स्टेम बनाने के लिए मैं लूँगा एक सिलेंड्रिकल सिलेंडर प्रिमिटिव, और इसका रेडियस हम रखेंगे 6, हाइट 79, हाइट सेगमेंट्स 24 और रोटेशन सेगमेंट्स 24। तो ये सेगमेंट्स ज़्यादा इसलिए रखे हैं क्योंकि उसको हम बेंड करेंगे, और बेंड में जितनी आपके पास ज्योमेट्री होगी उतना अच्छा आपका डिफॉर्मेशन होगा। अब हम इसको अलाइन कर लेते हैं सिलेंडर को। ओके, और इस पर फिर से लगाएंगे हम बेंड। इस टाइम हमें क्या करना होगा, शिफ्ट के साथ प्रेस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लेथ पे बेंड लगाना था और यहाँ पे हमें सिंगल ऑब्जेक्ट पे लगाने है, किसी हायरार्की के अंदर नहीं है। तो इस टाइम हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और बेंड पे क्लिक करेंगे। फिट टू ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, अगर नहीं है तो आप इसे फिट कर सकते हैं, और इसके बाद से स्ट्रेंथ दे दीजिए 120-124 के आसपास, और ये हमारा स्टेम रेडी है। तो आई होप इस ट्यूटोरियल से कुछ आपने नया सीखा होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।